इसे दिखा तो कागज को। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के लगातार राजनीतिक हलचल तेज है। अगर बात हम तराड़ी विधानसभा उपचुनाव की करें तो वहां से 4 बार से विधायक रहे हैं सुनील पांडे, जो कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता थे, लेकिन अब वो अपने बेटे विशाल प्रशांत के साथ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लेकिन उनके शामिल होते ही अब जो है राजनीतिक सियासत जो है वो अब तेज हो गई है। कई जगह पोस्टर लगाए गए हैं, खास करके बीजेपी कार्यालय के बाहर पोस्टर पहले लगाया गया था, जब अब जो सुनील पांडे हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे थे उसी वक्त पोस्टर किसी अज्ञात व्यक्ति ने लगाया था। हालांकि अब वो पोस्टर जो है बीजेपी कार्यालय से जो है फाड़ दिया गया। लेकिन आपको बता दें कि अब जो है और भी कई जगह लगाई है कि RGD कार्यालय है और RGD कार्यालय के बाहर भी जो है तस्वीरें लगाई गई। देखिए, तेजस्वी यादव जो लगातार अपराध बुलेटिन जारी कर अपराध को लेकर के लगातार पोस्ट कर रहे हैं। आज भी उन्होंने 87 जो अपराध के जो लिस्ट है वो जारी किए हैं। कि अब यहाँ पोस्टर जो लगा है RGD कार्यालय के बाहर लिखा हुआ है, आरा सिविल कोर्ट, बम ब्लास्ट का आरोपी सिलू मियां का हत्यारा, ब्रह्मेश्वर मुखिया का हत्यारा, हथियारों की सप्लाई, बैंक लूटपाट, अपने करीबी दोस्तों का हत्यारा, ऐसे कई मामलों का आरोपी एवं हत्यारा माफिया खूंखार सुनील पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, ये जो पोस्टर है ये RGD कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगा हुआ है और सियासत जो है वो अब तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि तराड़ी विधानसभा उपचुनाव होना है और वहाँ से सुनील पांडे जो है 4 बार से वहाँ विधायक रहे हैं और इस बार उनके बेटे की चर्चा है कि विशाल प्रशांत जो उनके बेटे हैं वो वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो है वो वहाँ से टिकट उनको दे सकते हैं। आपको बता दें कि पिछली बार सुनील पांडे जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और दूसरे स्थान पर आए थे और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनकी जमानत जब्त हो गई थी तराड़ी में। लेकिन इस बार जो है ऐसी कोई गलती नहीं करना चाह रही भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए उन्होंने सुनील पांडे को अपने पाले में कर लिया है। और लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पाले में किया है उसी के बाद जो है ये जो पोस्टर है वो पटना के कई जगह पर चिपकाए जाने लगा है, क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी हत्यारे को किसी बलात्कारी को जो है टिकट नहीं देते हैं, अपराधी छवि के लोगों को टिकट नहीं देते हैं, लेकिन ये पोस्टर ये बताने के लिए काफ़ी है। ये पोस्टर जो है बीजेपी को आईने दिखाने का काम कर रहे हैं कि ये सभी हत्यारे हैं। हालाँकि अब सच्चाई क्या है ये तो नहीं पता, लेकिन जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं जो चिपकाए जा रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि ये संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सुनील पांडे को अपने पाले में करने के बाद जो है अब कहीं ना कहीं घिरते नजर आ रही है। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में तराड़ी से टिकट किन्हें मिलता है, सुनील पांडे या उनके बेटे को बीजेपी टिकट देती है या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और वैसे तमाम खबर देखते लाइव बिहार बहुत